आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे नजर आया वो ये है। ये क्वेश्चन 2018 की सेकंड ग्रेड के जीके में पूछा गया था। सो ऑप्शन बी सही है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मेरा सेकंड ग्रेड का सवाल गलत हुआ था। डिपॉजिट जमा कराने 15,000 रुपए एक बार जमा कराना होता है, उसके बाद आप मैक्सिमम जितने फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं, और ये ऑप्शन जो था वो मैंने गलत किया था, जिसकी वजह से मैं एक नंबर से सेकंड ग्रेड में पीछे रह गया था। अब आप समझिए इस वीडियो की और इस स्लाइड का कितना इंपॉर्टेंस है। उस वक्त भी 2017 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में 2018 में एग्जाम हुआ था, अभी 2022 चल रहा, अभी चुनाव होंगे जुलाई में और अगस्त में और दिसंबर में कई एग्जाम है जिनमें इन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो मिस्टेक मैंने की जिसकी वजह से मेरा एक सवाल गलत हुआ और मैं कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया, वो मिस्टेक आप नहीं करें, पूरे वीडियो को समझें। हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर दी है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनके चुनाव समय पर करवाना आवश्यक है। तो मेरे पास ये प्रेस नोट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट 2022, भारत के राष्ट्रपति के जो ऑफिस है उसके चुनाव के बारे में ये प्रेस नोट जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस प्रेस नोट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत है क्या क्या लिखा हुआ है और इस पूरी जानकारी को समझेंगे। इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी 16वें राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं भारत में 18 जुलाई को, और 21 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे और 24 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये सारी चीज हम इसके माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये बहुत ही डिटेल में प्रेस नोट जारी किया है और इसमें लिखा हुआ है कि 2022 के प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं। हम इसे पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसके जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, यानी इसमें जो मेन बातें हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन है और कौन इसके चुनाव करवाता है और किस प्रोसेस के तहत चुनाव होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में समझ पाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सांसद के चुनाव में भाग लेते हैं, आप विधायक के चुनाव में भाग लेते हैं, आप सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन कभी आपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हुए आम आदमी को नहीं देखा। इसका क्या कारण है, ये सारी प्रोसेस क्या है, किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और कौन इसके चुनाव करवाता है, कौन इसके चुनाव में भाग लेता है और कौन इसके चुनाव में भाग नहीं लेता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, भारतीय संविधान के अलावा कौन सा ऐसे अधिनियम है जिनमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चीजें दी गई है, चलिए इस पूरी प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेस नोट के हिसाब से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद इज एंडिंग ऑन 24 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, आर्टिकल 62 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द करंट प्रेसिडेंट, यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति के चुनाव करवाना आवश्यक है। 24 तारीख को खत्म हो रहा है तो उससे पहले पहले, इसलिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे और 24 जुलाई को हमें नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 यानी 324 अनुच्छेद 324 में इसके अलावा भारतीय संविधान के अलावा संसद द्वारा पारित दो विधेयक हैं, एक का नाम है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1974। उसके अनुसार कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वेस्टेज इन ECI, यानी इनके राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, यानी भारत चुनाव आयोग द्वारा क्या करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इसके अलावा एक्ट जो 1952 का अधिनियम है उसका सेक्शन 4 और सब क्लोज 3 में क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन सेल बी इश्यूड ऑन और आफ्टर 60th डे ऑफ द बिफोर द जुलाई 24, 2022, 24 जुलाई से 60 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेगा और शेड्यूल जारी करेगा कि किस तरह से किस किस तारीख को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 60 दिन पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन जारी करना है। अब हम इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसमें कौन शामिल होंगे, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य,
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा के उसके चुने हुए सदस्य, मतलब मनोनीत सदस्य नहीं, राज्यों और एनसीटी दिल्ली यानी दिल्ली और यूटी पुडुचेरी, पुडुचेरी दोनों के चुने हुए विधायक गण क्या लेते हैं भाग, 28 राज्य और इन दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी के दो विधायक गण इसमें शामिल होते हैं, वो भी चुने हुए होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, ना कि मनोनीत होने चाहिए। कौन भाग नहीं ले सकता तो समझिए, राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य और एमएलए जो मनोनीत है वो नहीं भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो विधान परिषद होती है एमएलसी के जो एमएलसी होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते। तो भाग कौन ले सकते, शॉर्ट में समझने के लिए, संसद के एमपीज जो निर्वाचित हैं और इसके अलावा राज्यों के एमएलएज जो कि कह निर्वाचित हैं वही भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 55 के सब क्लॉज 3 के अनुसार इनका जो चुनाव होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होगा और सीक्रेट बैलेट में होगा, यानी कोई भी विधायक या फिर एमपी वोट देगा तो वो अपना वोट किसी को बता नहीं सकता है, वो सीक्रेट बैलेट के तहत में होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की सबसे अच्छी बात यह है कि आप वरीयता क्रम में सभी उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं, यानी जो मतदाता एमपी और एमएलए हैं वो किसी एक सदस्य को वोट नहीं दे सकते, बल्कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के नाम से, जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन सबको वरीयता क्रम में वोट दे, वरीयता क्रम का मतलब 1, 2, 3, 4 उस प्रिफरेंशियल वोट दे सकते हैं। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3 गणित में आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, या फिर रोमन संख्या में 1st, 2nd, 3rd इस रूप में दे सकते हो, या भारतीय भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है उनके अंकों में आप आगे नंबर लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, यानी जैसे मान लो 5 कैंडिडेट खड़े तो कौन से कैंडिडेट को आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे रखना चाहते हैं, वो आपको गणित में यानी रोमन संख्या में, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में, या भारतीय भाषाओं मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के किसी मानक रूप में लिखा जा सकता। तो कैसे नहीं दिया जा सकता है, अंकों में आप चुनित कर सकते हैं लेकिन शब्दों में आप कोई भी अगर प्रेफरेंस रखेंगे, वरीयता दे देंगे तो आपकी वरीयता खारिज हो जाएगी, यानी आप हिंदी देवनागरी में शब्दों में वहां पर नहीं लिख सकते, और वरीयता अधिकतम उतनी ही चुनित की जा सकती है जितनी उम्मीदवारों की संख्या, यानी 5 उम्मीदवार है तो 5 वरीयताएं, 4 उम्मीदवार है तो 4 वरीयताएं ही की जा सकती है। ध्यान रखना अंकों में ही वरीयता दी जा सकती है, शब्दों में वरीयता नहीं दी जा सकती है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा पहली वरीयता देना आवश्यक है, यानी उसे किसी न किसी कैंडिडेट के आगे पहली अपनी पहली वरीयता लिखनी ही होगी, उसके बाद की जो वरीयताएं होती है वो ऑप्शनल है, चाहे तो वो दे सकता है नहीं चाहे तो वो नहीं दे सकता है। इसलिए ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पहली वरीयता नहीं दी है तो उसका वोट खारिज माना जाएगा। आप समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आरओ कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, तो नॉर्मली लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उन्हें आरओ बनाया जाता है ईसीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद, लेकिन ये बारी बारी नंबर आता है। तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर बने हैं। और पोलिंग कहां पर होगी यानी चुनाव कहां पर होंगे, तो जो एमपी वोट देंगे वो पार्लियामेंट हाउस में देंगे और जितने भी एमएलए वोट देंगे वो अपने अपने राज्य की जो राजधानी है उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है उसके परिसर के अंदर देंगे। वोट कैसे दिया जाएगा, तो वोट एक पेन के माध्यम से वरीयता लिखी जाएगी, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो पेन एमपी एमएलए का खुद का नहीं होगा बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो पेन दिया जाएगा उसी पेन से ही वरीयता लिखी जा सकती है, किसी दूसरे पेन का प्रयोग करने की स्थिति में वोट खारिज माना जाएगा। सामान्य चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा वोट दिए जाने पर एक मत गिना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने मतदाता होते हैं उनका वोट वैल्यू अलग होता है, मतलब एक मतदाता वोट देगा यानी एमपी एमएलए एक वोट देगा तो वोटरों की संख्या अधिक गिनी जाएगी। समझिए राष्ट्रपति के चुनाव में कितने एमपी वोट देते हैं, तो 776 एमपी वोट दिए जाए, 776 एमपी वोट देते हैं। एमएलएज कितने होते हैं पूरे भारत से, 28 राज्यों और दो यूनियन टेरिटरी को मिलाकर के 4033 एमएलए वोट देते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने वोट हुए, 4809 लोग वोट देते हैं, यानी मतदाता कितने हैं 4809। तो क्या वोट भी इतने होंगे, नहीं, वोटों का वैल्यू अलग है। राजस्थान का एक एमएलए वोट देता है तो 129 वोट गिने जाते हैं,
और इसी तरह से संसद का एक एमपी वोट देता है, तो पहले 708 वोट गिने जाते थे, इस साल जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है तो 700 वोट गिने जाएंगे। अब आप देखिए जितने एमपीज हैं, 776 एमपीज वोट देंगे तो एमपीज के वोटों का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितने वोट माने जाएंगे, 543,200 वोट माने जाएंगे। जितने एमएलए हैं, 4,033 एमएलए हैं, वो जब वोट देंगे तो उनके वोट कितने माने जाएंगे, 543,231 माने जाएंगे। टोटल वोट कितने पड़ेंगे तो 10,86,431 टोटल वैल्यू है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए 50+1 वोट हासिल करना होता है, यानी जो एमपी है वो 5 लाख से अधिक वोट हासिल करेगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जितने एमपी एमएलए हैं 4,809, ये सारे के सारे एमपी एमएलए का वोट का वैल्यू 10,86,431 है, यानी टोटल वोट वैल्यू ज़्यादा होती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, उसके द्वारा एक नामांकन पत्र भरा जाएगा जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा पास जमा करवाया जाएगा, यानी दिल्ली में जमा करा सकते हो। और जो भी व्यक्ति इसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता है उसके पास कम से कम 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। समझिए कि जितने एमपी एमएलए, मैंने बताया 4,809 एमपी एमएलए भाग ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे 50 प्रपोजर लाने होंगे, और वो लोग कौन होंगे, 4,809 में से होना चाहिए, आम आदमी नहीं हो सकता है। उन 4,809 में से 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, उसके प्रपोजर और सेकेंडर सेम लोग नहीं हो सकते हैं, यानी जो लोग 50 प्रपोजर बने हैं वो सेकेंडर नहीं बन सकते हैं, जो सेकेंडर बने हैं वो प्रपोजर नहीं बन सकते हैं, और एक व्यक्ति के प्रपोजर और सेकेंडर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रपोजर और सेकेंडर्स नहीं बन सकते हैं। आप समझिए, आप सोच रहे होंगे प्रपोजर सेकेंडर होता क्या, प्रपोजर सेकेंडर मतलब जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उस उम्मीदवार को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रपोजर और सेकेंडर। देखिए उम्मीदवार स्वयं या उनके प्रपोजर सेकेंडर 11 बजे सुबह शाम से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, वो खुद कर सकता है, उम्मीदवार जो लड़ रहा वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है या फिर उसके प्रपोजर सेकेंडर कर सकते हैं। कैंडिडेट केवल 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, मतलब एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने नामांकन पत्र भर सकता है, 4 भर सकता है, लेकिन ध्यान रखना उन चारों को भरने के लिए उसके पास अलग अलग प्रपोजर और सेकेंडर्स होने जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को निर्वाचन की जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई या भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा कराने होंगे। अगर चुनाव के बाद उनकी जमानत जब्त हो जाती है तो ये पैसा वापस नहीं दिया जाता है, और जिस दिन पब्लिक हॉलीडेज होते हैं यानी छुट्टी होती है उस दिन निर्वाचन भरा नहीं जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को वोट देने वाले जितने भी इलेक्टोरल होते हैं, यानी जितने एमपी एमएलए होते हैं, उनकी एक लिस्ट जारी कर देगा। अभी आप जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और कुछ राज्यों में विधानसभा के बाय इलेक्शन चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद, उनका रिजल्ट आने के बाद उनकी भी लिस्ट क्या कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की जो सूची है वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के एमपी सामान्यतः संसद भवन के परिसर में वोट देते हैं, और इसी तरह एमएलए जो है, जितने भी एमएलए वोट देंगे वो रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अपने अपने राज्य की जो विधानसभा उसमें वोट देंगे। देखिए आपको ये जो डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे के अंदर ये व्यक्ति क्या डालता हुआ दिख रहा है, आप कागज है, ये बैलेट पेपर है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव मशीन पर ईवीएम पर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर पर होता है। और ये आपको डब्बा दिख रहा है, इसके अंदर आपको अपना वोट, जितने भी लोग उनको वोट दीजिए, प्रेफरेंस डालिए 1, 2, 3, 4, और फिर उसको बैलेट पेपर को पन्ने को बंद करके इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इलेक्शन जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा, किसी को भी बैलेट दिखाना पूरी तरह निषिद्ध है, यानी कोई भी अपना जो एमपी एमएलए है वो किस राष्ट्रपति के किस उम्मीदवार को वोट दे रहा है ये किसी को दिखा नहीं सकता है। आफ्टर मेकिंग द वोट इलेक्टोरल इज रिक्वायर्ड टू फोल्ड द बैलेट पेपर एंड इंसर्ट इनटू द बैलेट बॉक्स, यानी कोई भी जिसने वोट दिया है वो अपना पन्ना बंद करेगा और पेज बंद करेगा और बैलेट बंद करेगा पेपर को और किसके अंदर डाल देगा, डब्बे में, जैसे कि आपको चित्र में ऊपर दिख रहा है। वोटिंग प्रोसीजर और वायोलेशन की जाने पर बैलेट पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी अगर आपने किसी को बता दिया है तो फिर आपका वोट क्या माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। इस स्लाइड को आपको ध्यान से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को कोई व्हीप जारी नहीं कर सकते। देखिए अभी राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, जितनी भी पार्टियां उन्हें अपने व्हीप जारी किए हैं, सभी एमएलए को बोल दिया है कि आप उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जिसको हम कह रहे हैं।
लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक पार्टी अपने एमपी और एमएलए को ये नहीं कह सकती है कि आप उस राष्ट्रपति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे जिसका हमने व्हीप जारी किया है। व्हीप जारी नहीं किया जा सकता, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सेक्शन 18 एक्ट 1952 के अधिनियम के सेक्शन 18 के अनुसार किसी भी प्रकार की रिश्वत या किसी भी प्रकार का कैंडिडेट द्वारा इन्फ्लुएंस जमाया जाता है उस स्थिति में इस ग्राउंड के ऊपर आईपीसी की धाराएं लगती है और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्शन पिटीशन दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इस इलेक्शन को क्या घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, इलेक्शन को हटाया जा सकता है। मतदान केंद्र के संचालन, पर्यवेक्षण और मतपेटियों को चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभाओं तक ले जाने के वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी सीईओ को ही होगी, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। मतगणना जो है वो न्यू दिल्ली में होगी, रिटर्निंग आरओ जो है सुपरविजन में की जाएगी। इसके अलावा सही और इलेक्शन होने के लिए इलेक्शन अपॉइंटेड कमीशन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंट ऑफ द प्लेसेस ऑफ पोलिंग, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। और नो कंप्लीट अकाउंटिंग, रिटर्निंग ऑफिसर विल बी साइंड इश्यूड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, यानी जो रिजल्ट होंगे उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। दिल्ली के अंदर आरओ जो होगा, आरओ इस बार कौन है ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो इस बार क्या बनाए गए हैं, आरओ बनाए गए हैं। अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ द प्रेजिडेंशियल एंड वाइस प्रेजिडेंट इलेक्शन ऑफ 1952 के तहत शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार इश्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जो होगा वो 15 जून को जारी होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन वो आपकी 29 जून है और वापस जो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी वो 30 जून को की जाएगी। और जो जितने भी कैंडिडेट है अपना नाम वापस ले सकेंगे वो 2 जुलाई तक, और इसके अलावा जिस तारीख को चुनाव होंगे वो तारीख है 18 जुलाई 2022, आपको ये ध्यान रखना है। और 21 जुलाई 2022 को इसकी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जो है 24 जुलाई से पहले पहले होने हैं, जो इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस वीडियो में पूरी तरह से ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस क्या है। वैसे इस वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे नज़र आया वो ये है। ये क्वेश्चन 2018 की सेकंड ग्रेड के जीके में पूछा गया था। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलिंग द नॉमिनेशन ऑफ द पेपर इन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया। बात की राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पत्र आता उसमें अनुसार सही क्या। देखिए, पहला, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए तब तक समय निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वो 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है, और जब कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम पत्र निर्दिष्ट करता है तो वहाँ उसे एकमात्र निक्षिप्त करना होगा। ये सारे ऑप्शन हम पीछे की स्लाइड्स में देख चुके हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि 50 प्रपोजर चाहिए और 50 सेकेंडर चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ये कह रहा है कि इसको आरबीआई के पास 15,000 रुपये जमा करा नहीं कराने तक नॉमिनेशन नहीं होगा, ये बात भी सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही हो। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मेरा सेकंड ईयर का सवाल गलत हुआ था, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और वो एक से ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, मतलब मैंने कहा था मैक्सिमम कितने भर सकता है, 4 भर सकता है, तो ज्यादा भरता है तो उसको सिर्फ एक बार ही क्या जमा कराना होता है, डिपॉजिट जमा कराना, 15,000 रुपए एक बार जमा कराना होता है, उसके बाद आप मैक्सिमम जितने फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो था वो मैंने गलत किया था, जिसकी वजह से मैं एक नंबर से सेकंड ग्रेड में पीछे रह गया था। अब आप समझिए इस वीडियो की और इस स्लाइड का कितना इंपॉर्टेंस है। उस वक्त भी 2017 में चुनाव हुए थे, उसके बाद में 2018 में एग्जाम हुआ था, अभी 2022 चल रहा, अभी चुनाव होंगे जुलाई में और अगस्त में और दिसंबर में कई एग्जाम है जिनमें इन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो मिस्टेक मैंने की जिसकी वजह से मेरा एक सवाल गलत हुआ और मैं कंपटीशन से बाहर हो गया, वो मिस्टेक आप नहीं करें, पूरे वीडियो को समझें और कहीं से भी इससे संबंधित जानकारी हासिल करें ताकि आपका प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की साइट से मिल सकती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से और ना एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक से मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।